मैं वैष्णवी कक्षा 6 ग्रेस एकेडमी। आज मुंशी प्रेमचंद जी के जन्मदिन पर मैं आप सभी को एक कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है कश्मीरी सेवा। ये शुरू करते हैं। कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती हैं। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टमाटो को पहले कोई सेंस में भी ना पूछता था, अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी तो पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी, अमीर लोग तो केवल उसका हलवा ही खाते थे। मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत से विटामिन हैं, इसीलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। और सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाएंगे तो आपको डॉक्टर की जरूरत ना रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए तो हम नीम कोड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं तो कम भी नहीं। हाँ, बनारस के लंगड़े, लखनऊ के दशहरी और मुंबई के अल्फांसो की बात तो दूसरी है। उनके टक्कर का फल तो संसार में दूसरा नहीं है। मगर उनमें विटामिन और प्रोटीन है या नहीं, है तो काफी भी है या नहीं, इन विषयों पर अभी किसी पश्चिमी डॉक्टर की व्यवस्था देखने में नहीं आई। सेब को तो यह व्यवस्था मिल चुकी है। अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है, उसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा सेब मांगे। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के हैं, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, लड़के आधा सेब कश्मीरी सेब निकालना, चुन कर लाना। लड़का 4 सेब लाया। दुकानदार ने तोला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया और मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। फल खाने का समय तो प्रातः काल है। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था, 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा ना होगा। दूसरा निकाला मगर यह आधा सड़ा हुआ था और संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है। तीसरा सेब निकाला, यह सड़ा तो ना था मगर एक तरफ से दबकर बिल्कुल पिचक गया था। चौथा देखा, वह यूं तो बेदाग था मगर उसमें एक काला सुराग था जैसा अक्सर बैरों में होता है। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे कीड़े बैर में होते हैं। एक सेब भी खाने लायक नहीं। 4 आने पैसों का इतना गम ना हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता, सोचता उसकी निगाह ना पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकल जाए, यह तो साफ धोखा है। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने भाप लिया कि महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है और न इतने चौकस है कि घर से लौटाने आए। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से। बेईमानी में सहयोग देना है। पढ़े लिखे बाबू और कर्मचारियों पर तो कोई विश्वास ही नहीं करता। किसी थाने या कचहरी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर ना जाएंगे। व्यापारियों की साख अभी तक बनी हुई थी। यूं तोल में चाहे छटांग आज छटांग कस लें, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते तो आपको घबराने की जरूरत नहीं थी, आपके रुपए सुरक्षित थे। मुझे याद है एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक खूंचे वाले से 1 पैसे की रेवड़ियां ली थी और पैसे की जगह 8 दे आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो खूंचे वाले के पास दौड़ा गया। आशा नहीं थी कि वह 8 लौटाएगा, लेकिन उसने प्रशंसित से 8 लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा भी मांगी। और यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है कि दर्शक
बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें बंद ना कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी से भी मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी से कुछ जरूरी सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।